नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम इश्फाक अहमद है और आप देख रहे हैं इंडो इंटरनेशनल नर्स। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ द आइज। ठीक है, आइज में किस प्रकार का डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है मैकुलर डिजनरेशन। ठीक है, मैकुलर डिजनरेशन हम देखते हैं। ठीक है, ये मैकुलर डिजेनरेशन होता क्या है, ये क्या होता है? ठीक है, ये डिजेनरेशन ऑफ मैकुला, डिजेनरेशन ऑफ मैकुला, द मैकुला इज अ स्मॉल एरिया इन द रेटिना। ठीक है, मैकुला क्या होता है? स्मॉल एरिया इन रेटिना में, जो स्मॉल एरिया में होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन। ठीक है, ये क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अलाउंग टू सी द डिटेल्स क्लियरली। ठीक है, मतलब किसी चीज को क्लियरली फाइन दिखाने के लिए जो है इसका जो है ये अलाउ करता है। ठीक है, तो हम इसको यदि डिफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं? डिफिनेशन डीजनरेशन ऑफ मैकुला, मैकुला, ठीक है, डीजनरेशन ऑफ मैकुला, द मैकुला, द मैकुला इज अ स्मॉल एरिया, एरिया इन द रेटिना, रेटिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल, फॉर सेंट्रल विजन। अलाउइंग, अलाउइंग टू सी फाइन डिटेल्स, डिटेल्स क्लियरली। अब हम इसका देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स इसका क्या है, मतलब इसके लक्षण, मतलब कि किस तरीके के लक्षण इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेन लक्षण जो है हमको दिखाई देंगे, लॉस ऑफ सेंट्रल विजन। ठीक है, सेंट्रल विजन में जो कमी आने लगेगी। ठीक है, क्या आएगा? लॉस ऑफ सेंट्रल विजन। ठीक है, सेंट्रल विजन में जो है कमी आने लगेगी। ठीक है, और दूसरा जो है ये भी होगा कि ब्लर्ड विजन एंड डी स्टोरेशन जो है ये शो करने लगेगा। ब्लर्ड विजन, ब्लर्ड विजन एंड डिस्टॉर्शन जो है ये शो करने लगेगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि मैकुलर डिजनरेशन किसको कहते हैं, वो किधर स्थित होता है, उसका क्या काम होता है। ठीक है, और उसका साइन एंड सिम्टम्स अभी हमने देखा कि लॉस ऑफ सेंट्रल विजन होने लगता है। ठीक है, ब्लर्ड विजन होने लगता है और डिस्टोरेशन जो है ये शो करने लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। यदि इस टाइप का कंडीशन आने लगेगा तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या चीज देंगे। ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट है भी या नहीं। ठीक है, ठीक है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एक्चुअली इसका जो है, ठीक है, मैकुलर डिजनरेशन इज नॉट क्यूरेबल, मतलब ये ठीक होने वाली ये चीज है ही नहीं। ठीक है, बट इट बट ओनली बी कंट्रोल्ड, इसको हम सिर्फ एक कंट्रोल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होने वाली चीज है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? मैकुलर डिजनरेशन
इज नॉट क्यूरेबल बट ओनली बी कंट्रोल्ड। ओके, मतलब ये ठीक नहीं हो सकता, सिर्फ हम इसको जो है कंट्रोल करके रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यदि ये मैकुलर डिजेनरेशन यदि हो जाता है तो नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ठीक है, नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी? ठीक है, नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी? तो नर्सेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, इंक्रेज क्लाइंट टू कंज्यूम फूड हाई इन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट हाई मात्रा में पेशेंट ले सके। ठीक है, और उसके बाद विटामिन ई, ठीक है, विटामिन बी 12, ठीक है, ये ले सके। ठीक है, और उसके बाद जो है फर्स्ट जो है इनकरेज क्लाइंट टू कंज्यूम फूड हाई इन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ई एंड बी 12। ओके, एंड सेकेंड हम देखते हैं कि मंथली आई एग्जामिनेशन के लिए जो है पेशेंट को जो है इंकरेज करना चाहिए। ठीक है, कि एवरी मंथ जो है आकर के जो है आई का जो है पेशेंट जो चेकअप करवाए। मंथली आई एग्जामिनेशन, और थर्ड जो है रेफर क्लाइंट टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन असिस्ट द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, रीडिंग डिवाइस एंड लार्ज प्रिंट बुक्स। क्या करना है? रेफर करना है, रेफर क्लाइंट टू कम्युनिटी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। That can assist with transportation। Reading डिवाइस, रीडिंग डिवाइस, ठीक है, एंड लार्ज प्रिंट बुक। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है एक्चुअली में जब आई डिसऑर्डर हो जाता है तो हमें जो है विटामिन ए की सोर्स ज्यादा लेना चाहिए ताकि जो है आई संबंधित जो भी विकार जो है उससे जो है दूर हो सके। ठीक है, तो विटामिन ए का जो मेन सोर्स क्या क्या है? ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज द रिच फूड ऑफ विटामिन ए। विटामिन विटामिन ए जो है
इसका रिच रिच फूड क्या है? विटामिन ए का रिच फूड या सोर्स जो हम बोल ले तो होता एग्स, ठीक है। हमें क्या लेना चाहिए? एग्स लेना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए, ठीक है। मिल्क के बाद जो है ट्रॉपिकल फ्रूट्स लेना चाहिए, ठीक है। ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद फिश, ठीक है, वेजिटेबल लेना चाहिए, लाइक कैरट, ठीक है, केले लेना चाहिए, लीवर खाना चाहिए, ठीक है। एंड अब देखते हैं विटामिन ए एक्चुअली में है क्या। विटामिन ए जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। विटामिन ए क्या होता है? फैट सॉल्युबल। हमने पिछले वीडियो में भी विटामिन के बारे में जो हमने पढ़ा था तो उसमें हमने फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ा था। विटामिन ए क्या होता है? ये क्या होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। विटामिन, ठीक है, ओके। विटामिन ए क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, ओके दोस्तों। तो आज हमने जो है डिसऑर्डर्स ऑफ आई के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब इसका हमने ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, क्या मेडिसिन देना है, सुना गया। और उसके बाद विटामिन ए का जो रिच सोर्स है क्या क्या, उसके बारे में पढ़ा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ठीक है, ताकि हम और भी मोटिवेशनल होकर के और भी आगे अच्छी से अच्छी टॉपिक आपको लेकर के आए, ठीक है। ये सारा टॉपिक जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो जो है प्रोमेट्रिक से रिलेटेड है। नर्सिंग का कोई भी एग्जाम यदि आप पास करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि पास करना चाहते हैं तो ये सारे टॉपिक्स जो है आएंगे और वो कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ओके दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे सारे वीडियो में जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगला वीडियो जो भी मैं बनाऊं उसके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।